सकता प्रधानमंत्री के तब नरेंद्र मोदी की बातों पे भरोसा किया और एक तरफा जीत हुई थी 2017 में भी प्रधानमंत्री के बातों पे भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी को गोरखपुर और बंथी बस्ती मंडल में एक तरफा जीत मिली थी। 2019 में भी यही स्थिति रही और 2022 में भी, यानी कि प्रधानमंत्री जब जब आ रहे हैं तो अगर उन्होंने गोरखपुर वासियों को कुछ दिया है तो गोरखपुर के लोगों ने भी, गोरखपुर के आसपास के लोगों ने भी उनको रिटर्न गिफ्ट में जरूर दिया है। गोरखपुर और बस्ती मंडल की अगर हम बात करें तो 2024 में कुल 9 लोकसभा सीटें हैं, मौजूदा समय में 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो अब प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, प्रधानमंत्री 500 करोड़ से की लागत से गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसको सिटी सेंटर के रूप में तब्दील करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे की जो पहली वंदे भारत मिली है वो गोरखपुर से वो चलाने जा रहे हैं, उसको अयोध्या से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इतना बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री देंगे तो प्रधानमंत्री को यहाँ की जनता रिटर्न गिफ्ट क्या देगी, ये तो 24 में पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक जब जब प्रधानमंत्री ने गोरखपुर वासियों को, यहाँ के लोगों को गिफ्ट दिया है तो यहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री के भरोसे को कभी तोड़ा नहीं है और उनको रिटर्न गिफ्ट दिया है। इसीलिए जो बेसब्री है वो बेसब्री बढ़ती जा रही है, यहाँ पे जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि वहां से उनको निकले हुए वक्त हो चुका है और अब वो कितनी देर में यहाँ पे पहुंचेंगे ये इंतजार यहाँ पे सभी को है। रोड जीरो हो चुका है और रोड जीरो हुए करीब करीब 25 मिनट से अधिक का वक्त हो चुका है, यानी कि अब तक तो प्रधानमंत्री को आ जाना चाहिए था, अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। बस इंतजार है वो जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे उनका स्वागत उद्बोधन हो, लीला चित्र मंदिर में भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की लीलाओं को देखें, वो उस अद्भुत कला को भी देखें कि एक आधे पेज में किस तरीके से श्रीमद् भगवद गीता के 18 के 18 अध्याय लिख दिए गए हैं, किस तरीके से ताम पात्र पे लिखे जाते थे, भोज पत्र पे लिखे जाते थे पहले, भोज पत्र पे लिखी हुई यहाँ पे महाभारत रखी हुई है उसको देखेंगे। तो ये सारी चीजें, दुर्लभ चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। साथ ही प्रधानमंत्री को ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से 1926 में पहली जो प्रिंटिंग प्रेस लगी थी उससे छपाई होती थी वो भी उसी उसमें रखा हुआ है, तो वो सारी चीजें प्रधानमंत्री यहाँ पे देखेंगे जी। और रुक करते हैं शबाब का, जो इस वक्त वंदे भारत से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शबाब, वंदे भारत एक्सप्रेस आज हरी झंडी भी इसको दिखाए जाने के कार्यक्रम की बात हो रही है, लेकिन ये कनेक्टिविटी के एक नए अध्याय को भी लिख रहा है। लोगों से बात कीजिए, कितनी सहूलियत हो जाएगी और इस रूट पर वंदे भारत के आ जाने के बाद किस तरह की एक सफर क्रांति लोगों के लिए साबित होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए इस वंदे भारत ट्रेन के शुरू हो जाने से निश्चित तौर पर जो गोरखपुर के पास के जो रेलवे स्टेशन हैं वहां पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ जो धार्मिक कॉन्सेप्ट को प्रबल किया गया है कि गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के आप दर्शन करेंगे, अयोध्या में श्री राम के दर्शन करेंगे और आप लखनऊ तक का सफर करेंगे। हालांकि कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो वो ये भी कहते हैं कि इस ट्रेन को गोरखपुर के आगे इलाहाबाद और बनारस के रूट पे भी कहीं बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है और वो उसके लिए भी कोशिशें आने वाले वक्त में रेलवे बोर्ड करेगा। लेकिन फिलहाल वंदे भारत के अंदर की हम जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे और उसको लेकर के जो सभी तैयारियां हैं वो दुरुस्त हैं और साफ तौर से इस बात को जो है वो समझा जा सकता है कि जो बच्चे हैं वो जो आज मोदी से मिलने को लेकर के बहुत उत्साहित हैं। आप बेटा इधर आओ, आप आज प्राइम मिनिस्टर से मिलना है क्या बात करनी? इस वक्त रामगोपाल हमारे साथ है। रामगोपाल, कुछ हलचल देखने को मिल रही है, प्रधानमंत्री कहां पहुंचे हैं? बिल्कुल, आप देखिए कि ये मेरे सामने से जो गाड़ी गुजर रही है ये फ्लीट की गाड़ी है, ये 500 मीटर पहले फ्लीट से चलती है, यानी कि रूट क्लियर है उसको बताते हुए निकल ले रही है। ये वार्निंग कार इसको बोलते हैं, ये वार्निंग कार निकल चुकी है और प्रधानमंत्री का काफिला बेहद धीमी गति से निकला है, तभी यहाँ पे पहुंचने में इतना लंबा वक्त लगा है। आप देखिए प्रधानमंत्री का काफिला अब बिल्कुल सामने है, बिल्कुल धीरे 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 प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है, यानी कि जो लोग 68 जगहों पे भारतीय जनता पार्टी या संस्कृत विभाग के काम कर रहे थे वो सभी को प्रधानमंत्री ने अपनी आंखों से देखा। और देखिए जो प्रधानमंत्री की गाड़ियां हैं वो बिल्कुल पहुंच चुकी हैं गीता प्रेस, और जो सुरक्षा के उनके जवान है वो भी पहुंच चुके हैं। अब प्रधानमंत्री की गाड़ी भी धीरे धीरे, प्रधानमंत्री पे फूलों की बारिश की गई है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जो व्यापार मंडल के लोग हैं उन्होंने फूलों की बारिश की है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो काफिला वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो है अब प्रधानमंत्री गीता प्रेस पहुंच चुके हैं,
बड़ी खबर इस वक्त की। रामगोपाल आएंगे हम आपके पास, गीता प्रेस पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आस्था मेरे साथ है स्टूडियो में। आस्था, प्रधानमंत्री गीता प्रेस पहुंचे, जाहिर तौर पर इस तरीके से हमने देखा कि गीता प्रेस का एक अहम योगदान है और आज प्रधानमंत्री की वहां पर मौजूदगी एक बहुत बड़ा मैसेज। और तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, पुष्प वर्षा की गई है लोगों द्वारा उनके ऊपर। आप देख भी रहे हैं गाड़ियों के ऊपर किस तरह फूल यहां पर दिख रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, उनका काफिला दिखना शुरू हो गया है, लोगों ने उनका जोर शोर से स्वागत किया है, पुष्प वर्षा की है और प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर उन सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। तो गोरखपुर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री, इंतजार यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का चल रहा है। और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज के अपने इस दौरे का जिक्र भी किया है, ट्वीट करके उन्होंने कहा भी है कि गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में समापन कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर अत्यंत उत्सुक हूं। इसके साथ ही मुझे वहां कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी बेसब्री से इंतजार है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पहुंचने से पहले ट्वीट किया था। इससे पहले जो सांसद है गोरखपुर के रवि किशन, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर ट्वीट किया और बताया कि किस तरह यहां पर ऐतिहासिक प्रिंटिंग प्रेस और ज्ञान और आध्यात्मिकता की प्रतीक गीता प्रेस में प्रधानमंत्री मोदी का आज आगमन हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी उत्साह प्रकट किया है, गोरखपुर में महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके होने जा रहे हैं, करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात आज मिलने जा रही है। उसे लेकर भी गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन जिसका कायाकल्प किया जा रहा है उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है कि भविष्य में कैसा दिखेगा वो विकास होने के बाद, उस तस्वीर उस प्रोजेक्ट को भी ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और लिखा है कि देश भर में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में हमारी सरकार निरंतर जुटी है और इसी दिशा में गोरखपुर लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिलेगा और साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखूंगा। और प्रधानमंत्री मोदी इन सभी कार्यक्रमों के लिए पहुंच चुके हैं गोरखपुर, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी रामगोपाल लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रामगोपाल, आगे की तस्वीरें और आगे के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जैसे ही गीता प्रेस के अंदर किए हैं, अब वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है और पूरा विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर एयरपोर्ट से लेकर गीता प्रेस आए हैं और जिस तरीके से बिल्कुल जो उनकी गाड़ी की गति थी वो बेहद धीमी थी, यानी कि 5 से 10 किलोमीटर की स्पीड में वो गाड़ी आए और जगह जगह जो भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है वो उत्साहवर्धन करने के लिए प्रधानमंत्री ने गाड़ी के अंदर से ही हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए आए हैं। और व्यापार मंडल के लोगों ने प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की बारिश की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलों से बारिश करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस में मौजूद है और जो मैं मंत्रोच्चारण, रामगोपाल जरा ये समझाइए कि अब आगे किस तरीके से कार्यक्रम होंगे और कितने बजे लगभग प्रधानमंत्री का संबोधन वहां पर होगा। बिल्कुल, अब प्रधानमंत्री चूंकि पहुंच चुके हैं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत हो रहा है, इसके बाद अब वो लीला चित्र मंदिर जाएंगे और जो कार्य प्रणाली है गीता प्रेस की कैसे काम करती है उसको समझेंगे और चित्रों का भ्रमण करेंगे। तो वहां पे करीब 15 मिनट का वक्त लग सकता है और 15 मिनट बाद वो जब मंच पे पहुंचेंगे तो वहां पे उनका आधिकारिक रूप से मंच पे छोटा सा स्वागत होगा और छोटा से स्वागत के बाद वहीं पे वो शिव महापुराण का विमोचन करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का एक छोटा सा बेहद छोटा सा संबोधन होगा और मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद सीधे प्रधानमंत्री बोलेंगे। यानी कि 15 मिनट के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे बोलेंगे। अभी प्रधानमंत्री का यहाँ पे स्वागत हो रहा है, जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो वहाँ पे मौजूद है, 400 लोग बुलाए गए थे। अभी मैं जो तस्वीरों में देख रहा हूँ गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन दौड़ते हुए अंदर गए हैं, साथ ही जिन लोगों ने एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, चाहे वो राज्यसभा सांसद RMD हो या फिर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हो या फिर अन्य जो लोग हैं, उन सभी लोगों की अब चूंकि गाड़ियां आ रही हैं, प्रधानमंत्री के फ्लीट में गाड़ियां चल नहीं सकती थी तो अब वो लोग पैदल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गीता प्रेस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीला चित्र मंदिर का भ्रमण करेंगे, लीला चित्र मंदिर में चित्रों को वो देखेंगे कि किस तरीके से
तेजुओं के फूल से, फूल से किस तरीके से चित्र बनाए गए थे और किस तरीके से अद्भुत कलाकारी की गई है वो। और देश में जितनी भी विधाओं से चित्र बनाए जाते थे, देश में जितनी भी विधाओं की पेंटिंग होती थी, वो सारी पेंटिंग यहाँ पे मौजूद है। 400 साल पहले किस विधा से भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग बनाई गई थी, उन सारी चीजों को आज प्रधानमंत्री देखेंगे और समझेंगे। और साथ ही ये भी समझेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी समझेंगे कि किस तरीके से गीता प्रेस काम करता है, क्योंकि जो किताबों का रेट है, धर्म की जो लिए काम कर रहा है, वो बेहद सस्ता है, किताबों के दाम बेहद सस्ते हैं, तो उस अपने घाटे को कैसे पूरा करता है। क्योंकि गीता प्रेस जो है वो कभी किसी से कोई दान नहीं लेता है, कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता है, तो उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से। अभी पिछले दिनों जब गांधी शांति पुरस्कार दिया गया तो गीता प्रेस के लोगों ने तो शांति पुरस्कार तो ले लिया, लेकिन उन्होंने जो 1 करोड़ रुपया मिला था उसको लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा, साफ कहना था कि ये गीता प्रेस का संचालन हमारा ट्रस्ट करता है और आज तक हमने कोई पुरस्कार किसी से स्वीकार नहीं किया है, तो इस कारण धनराशि नहीं लेंगे लेकिन सम्मान पत्र जरूर लेंगे। तो आज प्रधानमंत्री उन सारी चीजों को समझेंगे, देखेंगे। और अभी भी मैं सुन रहा हूं कि वैदिक मंत्रोच्चारण चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है वहां पे मौजूद हैं, उनका वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत हो रहा है और अब वो यहीं से सीधे लीला चित्र मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी अनुपम, बिल्कुल रामगोपाल, इसके बाद क्या कार्यक्रम रहने वाला है और जिस तरीके से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जाहिर तौर पर अब तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। अनुपम, तैयारियां तो बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री पहुंच गए तो फिर तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन और अब यहां पे वही भाषण का ही कार्यक्रम है, लीला चित्र मंदिर का वो भ्रमण करना अभी शुरू कर देंगे, उसके बाद फिर मंच पे भाषण का कार्यक्रम। लेकिन अनुपम, सबसे अच्छी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री जब आए हैं गोरखपुर एयरपोर्ट से, प्रधानमंत्री को आने में 10 से 12 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन उनको यहाँ पे आने में 25 मिनट से अधिक का वक्त लगा, यानी कि जो उनका काफिला था वो काफिला बेहद धीमी गति से आया। और धीमी गति से आने का कारण, सबसे बड़ा कारण यह रहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या यहाँ के अन्य सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हो, व्यापारी लोग हो, उन्होंने जगह जगह टोलियां बना के खड़े थे, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करना चाहते थे, प्रधानमंत्री को एक झलक देखना चाहते थे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया, प्रधानमंत्री जब आए तो बिल्कुल धीमी गति से उनकी फ्लीट गुजरी और लोगों का वो अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे 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 करते हुए आए, यानी कि जो रास्ते में 10 मिनट का अधिक वक्त करीब करीब लगा है वो इसीलिए शायद लगा कि वो लोगों को निराश नहीं करना चाहते थे। लोग अगर उनके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो प्रधानमंत्री भी ये बताना चाहते थे कि मैं भी उत्सुक था आपके शहर में आने के लिए और इसीलिए मैं आप लोगों से मिलना जरूर चाहता हूं, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री हैं, प्रोटोकॉल है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए 1-to-1 ना मिलके वो धीरे धीरे आए हैं। और जहां पे भी उनका स्वागत हुआ, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया है, गोरखपुर के लोगों की उन्होंने हौसला अफजाई की है, साथ ही जो तस्वीर गोरखपुर की बदली है शायद उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखने की कोशिश की है, क्योंकि 2013 में जब वो यहाँ पे आए थे और 2023 में करीब 10 सालों में किस तरीके से, चाहे केंद्र से की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, इस गोरखपुर की जो तस्वीर बदली है वो तस्वीर भी उसी एयरपोर्ट से यहाँ तक दिखाई पड़ती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण वही एयरपोर्ट है जहाँ पे प्रधानमंत्री उतरे थे। जब वो पहली बार आए रहे होंगे तो वहाँ पे एक छोटी सी ऐसी टपरी थी, मतलब वहाँ देखने में ये लगता ही नहीं था कि एयरपोर्ट है। आज वो एयरपोर्ट, वहाँ से 14 फ्लाइट अभी तक संचालित होती थी, तो आज वहाँ से 3000 के करीब करीब यात्री प्रतिदिन सफर कर रहे हैं, फ्लाइटों की संख्या बढ़ गई है, उन विकासों को उन्होंने देखा। साथ ही जो गोरखपुर में जब उस रोड से वो निकले होंगे तो रोड एकदम चौड़ी सी हो गई है, जितनी भी रोड जो पहले पतली थी 10 मीटर की थी वो सब 4 लेन में तब्दील हो गई, और उससे आगे ही जैसे प्रधानमंत्री निकले होंगे उन्होंने एम्स की जो सौगात दी थी वो एकदम बिल्कुल तैयार है, और पूर्वांचल के लोगों के साथ साथ बिहार के भी लोगों का वो एम्स सेवा कर रहा है, वहाँ इलाज कर रहा है, तो उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे देखा। और फिर वहीं से गुरुंग तिराहे होते हुए मोदीपुर चौराहे पे आए, जो उस इन पूरे रास्ते में जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, और
उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे करते हुए यूनिवर्सिटी चौराहा होते हुए आगे बढ़ा और गणेश चौक से आगे बढ़ा। तो इन पूरे रास्ते पे कई जगहों पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे थे, जो चाहे वो बुंदेलखंड से आए हुए छाऊ नृत्य हो या फिर महोबा के आए हुए कलाकार हो, गोरखपुर के धोबिया नृत्य हो या फिर अलग अलग जो लोक नृत्य और लोक कलाकार है जो आए हुए हैं प्रदेश के कोने कोने से, उन सभी लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। तो वो सारी चीजें प्रधानमंत्री अपनी आंखों से देखते हुए, चूंकि सुबह से लोग लगे हुए थे, सुबह से एक झलक पाने के लिए खड़े थे, धूप में खड़े थे, और प्रधानमंत्री ने इसी कारण किसी को निराश नहीं किया। जितने भी लोग आए थे उन सभी लोगों को प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिलाया, हुई उनके ऊपर फूलों की बारिश, हुई गाड़ियों के फूलों की बारिश हुई। तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है अनुपम, ये कई मामले में खास है। एक तो प्रधानमंत्री का गीता प्रेस आना अपने आप में एक सियासी संदेश देता आ रहा है। दूसरा, जो उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है कि जो है जो 15 मिनट के कम समय में भी जो दूरी पूरी की जा सकती थी उसमें करीब 10 मिनट का आधी वक्त लगाया और बिल्कुल धीमी गति से गाड़ियों को लाए, हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री आए। तो कार्यकर्ताओं को एक एनर्जी बूस्टअप मिला है कि हाँ, अब फिर से 2024 के लिए लगना है। तो आज का ये जो दौरा है सिर्फ गीता प्रेस के लिए ही खास नहीं है, क्योंकि 100 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि गीता प्रेस में कोई प्रधानमंत्री आया है। हालांकि राष्ट्रपति यहां पे तो दो बार आ चुके हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1955 में आए थे, उसके बाद जब गीता वर्ष शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ होना था तो तत्कालीन राष्ट्रपति राम कोविंद जी यहां